तो चलिए दोस्तों, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। पेड़ से बहुत पत्तियाँ नीचे गिरी हुई है। स्टार्ट करते हैं बाइक थोड़ा। वाह, एक ही किक में स्टार्ट, वेरी गुड। गर्मी का सीजन है इसीलिए नॉर्मल ग्लव्स पहन लिए। गेट बंद कर देता हूँ। सब्जी वाला आ गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मोटोटिक वॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड में आपको बढ़िया माइलेज कैसे मिलेगा। बहुत इजी तरीके से मैं बता दूंगा। तो हो सके तो कहीं पे कहीं कुछ पॉइंट है यदि मैं भूल गया होऊंगा तो आप काइंडली कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पे गलती हुई है और क्या वगैरह वगैरह। चलिए इस रोड से थोड़ा बहुत निकल चलते हैं, लोकल रोड है, उसके बाद वीडियो शूट करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं अभी फिलहाल NH2 नेशनल हाईवे 2 या ग्रैंड टर्न रोड भी कह सकते हैं इसको, उसमें आ चुके हैं। तो आज का मुद्दा है रॉयल एनफील्ड में माइलेज कैसे ठीक ठाक रखा जाए। तो हम लोग चल रहे हैं टायर के ऊपर, ट्यूब वाला टायर है, तो इसका रेगुलर इंटरवल में आप लोगों को मतलब एक हफ्ते में एक बार कम से कम एयर प्रेशर चेक करना है। जैसे कंपनी मेरे को रिकमेंड करती है कि सामने वाले में 26 PSI और पीछे वाले मतलब रियर वाले में 36 यानी 36 PSI एयर होना ज़रूरी है। तो मैं इसको मेंटेन रखता हूँ भाई, हर हफ्ते में एक बार मैं पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल लेने जाता हूँ ना तो वहाँ पे भर लेता हूँ, एयर देख लेता हूँ ठीक ठाक है कि नहीं। दूसरा पॉइंट है डिस्क ब्रेक, या आप लोग का जो बाइक में ब्रेक है, डम ब्रेक है, कुछ भी है, उसको सर्विसिंग के समय ये देख लीजिए कि चक्का एकदम फ्री फ्लो घूम रहा है कि नहीं। चक्का यदि ठीक ठाक घूमेगा ना तो आपका इंजन में ज़्यादा ट्रेस नहीं पड़ेगा, और इंजन में ट्रेस नहीं पड़ा तो आपको माइलेज भी अच्छे से मिलेगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम ठीक ठाक है कि नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं हो, ये देख लें, आप लोग का फ़र्ज है। गाड़ी आप लोग चलाएंगे, आप लोग का देख लेना फ़र्ज है, सर्विसिंग वाले देख के नहीं देंगे, आप लोग को खुद देख लेना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात था वो था सर्विसिंग, टाइम पे सर्विस कीजिए, मोबाइल टाइम में चेंज कीजिए, पुर्जे ठीक ठाक घूमने चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो जाए मोबाइल, ये भी देखना ज़रूरी है, सब कुछ ठीक ठाक रखना चाहिए, स्क्रू नट वगैरह हमेशा टाइट रहना चाहिए। इंजन में प्रेशर पड़ेगा तो आपका माइलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद था चौथा स्पीड, आप अगर 2500 RPM में, जैसा कि मैं अभी चला रहा हूँ आप देख सकते हैं 2500 RPM से नीचे में है मेरा, 2500 RPM के अंदर आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो आपको बेशक बहुत ही बढ़िया माइलेज मिलने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ है, जैसे कि आप लोकल में चला रहे हैं गाड़ी,
बार बार ब्रेकिंग करना पड़ता है, बार बार क्लच प्लेट क्लच यूज़ करना पड़ता है, स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। तो लोकल में भी माइलेज कम हो जाता है, लेकिन हाईवे में जैसे मैं अभी चला रहा हूँ हाईवे में, यहाँ पे आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट और बेस्ट जो है वो है आपका चेन। चेन का मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर 400, 500, 600 किलोमीटर के अंदर आप चेन को साफ़ करके उसको पूरा ल्यूब करवा कर लीजिए। यदि घर में कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, 5 से 10 मिनट का काम है। चेन को साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके उसको आराम से आप ल्यूब कर सकते हैं। ल्यूब के लिए आप गियर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत सस्ता होता है, और ल्यूब का कैन तो मिलता ही है। यदि आपको गियर ऑयल ठीक नहीं लगता है तो आप ल्यूब बाज़ार में बहुत टाइप का मिलता है, 100 रुपये से स्टार्ट होता है, करीबन आपका 5000 रुपये तक अवेलेबल रहता है। तो आप ल्यूब ज़रूर यूज़ कीजिए, चेन को स्मूथ बनाए रखें तो आपको माइलेज 100% अच्छा मिलेगा। तो ये सब पॉइंट की बातें हैं जो आप लोग को याद रखना है, जिससे कि आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलता रहे। और हाँ, सबसे मेन बात है कि आप जहाँ से पेट्रोल भराते हैं कोशिश कीजिए वहीं से पेट्रोल हमेशा भराने का, क्योंकि वो कितना एक लीटर में कितना लीटर ml देता है वो तो हर जगह अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कहीं पे एक लीटर बोलता है तो देता है 912 ml, और कहीं कहीं एक लीटर में 950 ml भी मिलता है। तो आप जहाँ से ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक ठाक देता है पेट्रोल, वहीं से लीजिए तो माइलेज बरकरार रहेगा दोस्तों। आराम से आपको 40 मतलब जो आपका माइलेज है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज हमेशा आपको मिलेगा, ये सब नियम का आप पालन करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों काइंड कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो रॉयल एनफील्ड की हमेशा मिलती रहे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, मंगल बन रहे, यही मैं चाहता हूँ। बाय बाय।